नमस्कार दोस्तों दोस्तों अमेज़न के ऊपर दिवाली का फेस्टिवल सेल अभी चल रहा है और इसी फेस्टिवल सेल में मैंने परचेस किया है HP का एक वाईफाई प्रिंटर। आज मैं आपको इस वीडियो में इस प्रिंटर का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस प्रिंटर का जो मॉडल नेम है वो है HP स्मार्ट टैंक 589। दोस्तों इस प्रिंटर में ऐसे चार टैंक लगे होते हैं जिसमें हमें इंक फिल करनी पड़ती है, और एक बार इस टैंक को इंक से हम लोग फुल कर देते हैं तो बाद में हम लोग कलर प्रिंट जो है वो 6000 पेज हम लोग निकाल सकते हैं, और जो ब्लैक एंड व्हाइट पेज है वो भी हम लोग 6000 कॉपी निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 13500 के आसपास है, लेकिन अभी जो फेस्टिवल सेल चल रहा है तो इसकी जो प्राइस है वो 9600 के आसपास मिल रही है, और मैंने इसे EMI पे खरीदा है तो पर मंथ जो है 1600 रुपए के आसपास इसका EMI है। इस प्राइस में सबसे बेस्ट वाईफाई प्रिंटर जो है अभी के लिए यही है, इसलिए मैंने इसे परचेस किया है। पहले इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इसे बॉक्स में से बाहर निकाल देते हैं, बाद में इसका जो पूरा इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो हम लोग करेंगे, और इसमें से कुछ पेज जो है वो प्रिंट निकाल के देखेंगे। एक्चुअली कंपनी जो है वो इंस्टॉलेशन फ्री में प्रोवाइड करती है, लेकिन आज तक कोई ऐसा इंजीनियर का फोन भी नहीं आया, ना कोई इंजीनियर आया इसको इंस्टॉलेशन के लिए, इसलिए मैंने इसे खुद ही इंस्टॉल कर लिया है, और आप भी खुद इंस्टॉलेशन कर सकोगे, ये वीडियो पूरा देख लेना। तो चलिए सबसे पहले इसे बॉक्स में से बाहर निकाल देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में से हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेन बॉक्स में से एक छोटा सा एक और बॉक्स निकल के आता है, और उस बॉक्स में से सबसे पहले निकलता है एक पावर का केबल, बाद में निकलता है एक USB केबल, उसके बाद में चार इंक की अलग अलग बोतलें निकलती है जो कि हमें प्रिंटर के अंदर फिल करनी होती है, बाद में छोटी सी एक बुक भी निकलती है जो पूरी चाइनीज लैंग्वेज में है, इसका कोई काम नहीं है, और लास्ट में यहाँ पर निकल के आती है दो और कार्ट्रिज जो कि प्रिंटर के अंदर हमें इंस्टॉल करनी है, और लास्ट में मेन बॉक्स में से निकलता है हमारा मेन प्रिंटर। और प्रिंटर के ऊपर काफी सारी टेप चिपकाई गई है, इसे हमें रिमूव करना होगा। दोस्तों बॉक्स में से एक पूरा सेटअप गाइड भी हमें मिलता है जिसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है फोटो के साथ, आप चाहे तो इसमें पढ़ के भी प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंटर को पावर केबल डाल के हम लोग इसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो इंक टैंक है उस इंक टैंक के अंदर सारी की सारी जो इंक है वो हम लोग फिलअप कर लेंगे। बाद में प्रिंटर के अंदर जो ये मेन कार्ट्रिज है दो वो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों अभी जो है इस प्रिंटर को हमें कैलिब्रेट करना होगा, और कैलिब्रेट करने के लिए एक पेज जो है उसकी हमें प्रिंट निकालनी होगी, और इस प्रिंट को हमें स्कैन करना होगा। प्रिंटर जो है इसे स्कैन करके ऑटोमेटिक ही कैलिब्रेट हो जाएगा। तो अब ये जो प्रिंटर है हमारा यूज़ करने के लिए अब रेडी है, लेकिन ये प्रिंटर जो है वाईफाई है तो हमें सबसे पहले इसे हमारे कंप्यूटर के साथ वाईफाई के साथ कनेक्ट करना होगा, तो उसे कर लेते हैं।
वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए एक वेबसाइट है एचपी की, उसके अंदर एचपी स्मार्ट करके जो एप्लीकेशन है उसे हमें डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। और जो भी प्रोसेस मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो सारी प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको करनी होगी। यहाँ पे मैं ये जो प्रोसेस है वो फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ, आप चाहे वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। और इसी तरह जो है मोबाइल में भी हमें ये सारी प्रोसेस करनी होगी, मोबाइल में काफ़ी कम प्रोसेस करनी है, वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने बेटे की एक फ़ोटो जो है वो प्रिंट करके निकाली है और इसकी जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। इसे मैंने सिंपल पेज में ही निकाली है, फिर भी इसकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों 10,000 प्राइस में काफ़ी अच्छा एक वाईफाई प्रिंटर मिल जाता है एचपी का। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, एक बार जाके ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कॉमेंट में लिख सकते हो, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।